हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर आई विल डिस्कस विद यू अबाउट इवेलुएशन पैरामीटर्स ऑफ हार्ट जिलेटिन कैप्सूल सो आज के इस लेक्चर में हम हार्ट जिलेटिन कैप्सूल का इवेलुएशन पढ़ेंगे सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग

तो इसका टेस्ट परफॉर्म करना इसलिए ज़रूरी है ताकि जो फिनिश प्रोडक्ट मिला है हमें ऑप्टेन हुआ है उसकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए हम इवालुएशन और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करते हैं वेदर इट इज़ हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं पैरामीटर्स कौन कौन से टेस्ट करके हम क्वालिटी का पता लगा सकते हैं तो इसमें फर्स्ट है आपका स्टेबिलिटी टेस्ट स्टेबिलिटी टेस्ट में आपके शेल इंटीग्रिटी टेस्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ शेल लाइफ आता है नेक्स्ट आता है वेरिएबिलिटी टेस्ट वेरिएबिलिटी टेस्ट में आपको वेट वेरिएशन एंड कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट करना है नेक्स्ट वन इज योर डिसइंटिग्रेशन टेस्ट देन आफ्टर रिजोल्यूशन एंड द मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट दीज आर पैरामीटर्स ऑफ हार्ट जिला कैप्सूल टेस्टिंग नाउ फर्स्ट इज़ योर अपेरेंस अब हमें पता है कि अपेयरेंस को हम फिज़िकली एनालाइज या फिर फिजिकली विजुअली uh, हम इंस्पेक्ट करके पता लगा सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जिस एम से हमने कैप्सूल बनाई थी दैट इज अकॉर्डिंग टू द मार्क और द स्टैंडर्ड और नॉट अगर अगर कैप्सूल की वो स्टैंडर्ड मैचिंग करती है तो वो टेस्ट पास है अदरवाइज हम उस टाइप के कैप्सूल को जो डिफेक्टेड है दैट वी हैव टू डिस्कार्ड तो दिस इज अबाउट द अपियरेंस नेक्स्ट देख लेते हैं एस अगर हम एस सी बात करते हैं तो हम एस क्यों करते हैं इट इज यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी या फिर हमने जो थेरारोपेटिक एजेंट ऐड किया है उसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए कि कितना हमें फिनिश प्रोडक्ट में मिला है आफ्टर फॉर्मुलेटिंग तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग एस करते हैं और कुछ एनालिटिकल मेथड का यूज़ करके हम एस के प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं जिससे आपको एपीआई के परसेंटेज प्योरिटी को का डिटरमिनेशन हो जाता है और हम एनालिटिकल टेस्ट परफॉर्म करके इसको idea लगा लेते हैं। तो तो स्टेबिलिटी टेस्ट बेसिकली हम किसी भी ड्रग प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं तो स्टेबिलिटी टेस्ट का परफॉर्म इसलिए करते हैं ताकि टू नो द इंटीग्रिटी ऑफ जिलेटिन कैप्सूल शेल इससे हमें क्या पता चल जाएगा उसकी शेल्फ लाइफ पता चल जाएगी यूज uh, होता है इससे क्या हेल्प हो जाएगी इसे इम्प्रूव हो जाएगी पर्टिकुलर कैप्सूल की क्वालिटी एंड इस तरीके से हम हम ये पता एनालाइज कर सकते हैं कि विच इज अप्रोप्रिएट पैकेजिंग मटीरियल विच वी कैन यूज फॉर पैकिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर कैप्सूल तो कैप्सूल की स्टेबिलिटी के लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी वो ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट होनी चाहिए एट ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड पे तो ये हम देख लेते हैं क्या होता है इफेक्ट टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का कैप्सूल शल पे तो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं अगर टेम्परेचर ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फोर डिग्री सेंटीग्रेड है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी सिक्सटी परसेंट होनी चाहिए और उससे क्या होगा कैप्सूल बिकम क्या हो जाएगा सॉफ्ट हो जाएगा टैकी हो जाएगा और ब्लॉटेड हो जाएगा अगर टेम्परेचर ट्वेंटी फोर डिग्री से ज़्यादा है और उसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो फोर्टी फाइव परसेंट से ज़्यादा है क्या क्या होगा More rapid and pronounced effect क्या होगा दिखाई देंगे जिससे जो होगी हो unprotected हो जाएगी melt हो जाएगी और द स्टेबिलिटी टेस्ट सो नेक्स्ट इज योर शेल इंटीग्रिटी टेस्ट अगर हम शेल इंटीग्रिटी टेस्ट की बात करते हैं तो अगर हम कैप्सूल को Uh, एक कुछ कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं सपोज़ अगर हम कैप्सूल को टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 80 डिग्री रिलेटिव एंडिटी पे रखते हैं तो जो कैप्सूल होगा सॉफ्ट हो जाएगा स्टिकी हो जाएगा एंड सॉलन हो जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं शेल्फ़ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए तो कैप्सूल की शेल्फ़ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए हम कैप्सूल को नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन पे रख देते हैं और उसके बाद हमें कैप्सूल की एक्सपायरी डेट का पता लग जाएगा तो दिस इज द शेल्फ इन टेस्ट एंड द शेल्फ लाइफ डिटरमिनेशन नेक्स्ट इज योर इनवेरिएबिलिटी टेस्ट इनवेरिएबिलिटी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम दो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वन इज योर वेट वेरिएशन टेस्ट एंड अनदर वन इज योर कंजेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट तो इस तरीके से इन दोनों टेस्ट को परफॉर्म करके हम कैप्सूल शेल की वेरिएबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं सो नेक्स्ट वन इज़ योर वेट वेरिएशन टेस्ट हार्ड लाइटिन के वेट वेरिएशन टेस्ट करने के लिए हम लोग 20 कैप्सूल्स लेते हैं ये याद रखना है इसका हमें क्या करना है इंडिविजुअल वेट करना है और वेट करने के बाद हमें क्या एवरेज वेट डिटरमाइन करना है नेक्स्ट टेस्ट कब पास होगा उसकी कंडीशन देख लेते हैं अगर जितनी भी कैप्सूल हमने वेट की हैं उनका इंडिविजुअल वेट 90 परसेंट से कम नहीं होना चाहिए एंड जो उसका एवरेज वेट है वो 110 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नेक्स्ट इफ़ द ओरिजिनल 20 कैप्सूल अगर जो हमने ओरिजिनल 20 कैप्सूल ली हैं वो इस क्राइटेरिया अबव क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता मीट नहीं करता है तब हमें क्या करना है इंडिविजुअल नेट वेट को क्या करना है डिटरमाइन करना है इसके बाद हम क्या करेंगे आर अब इसके बाद हमें क्या करना है ये एवरेज है और इनका डिफरेंस जो होगा वो डिटरमाइन करना है बिटवीन किसके बीच में करना है डिफरेंस डिटरमाइन करना है इंडिविजुअल नेट कंटेंट और एवरेज वेट के बीच में डिफरेंस चेक करना है अब इसके बाद टेस्ट की पास होने की कंडीशन क्या होगी इसमें हम देख लेते हैं इफ़ नॉट मोर देन टू दो से ज़्यादा नहीं यहाँ ये बात याद रखनी दो से ज़्यादा जो कैप्सूल होंगी उनका जो इंडिविजुअल होगा उनका डिफरेंस टेन परसेंट एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए इफ इन नो केस अगर इस केस में कोई डिफरेंस नहीं है और ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव परसेंट है तब यह टेस्ट पास होगा इसके बाद हम देखते हैं अगर दो से ज्यादा बट से कम जो कैप्सूल है उनका नेट वेट डिटरमाइन हम जो करेंगे और उसमें डेविएशन 10% परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 25% परसेंट से कम नहीं होना चाहिए द नेट कंटेंट इस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं फॉर एन एडिशनल 40 कैप्सूल का इस तरीके से हम एडिशनल 40 कैप्सूल लेके उसका नेट कंटेंट डिटरमाइन करेंगे एंड देन आफ्टर एवरेज को कैलकुलेट करेंगे और एंटायर 60 कैप्सूल का 60 का डेविएशन न्यू एवरेज से का कैलकुलेट करना है और इसके बाद टेस्ट पास की कंडीशन कब होगी ये हम देख लेते हैं इसमें क्या होगा जो डिफरेंस होगा वो ट एक्सीड टेन परसेंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए एवरेज वेट के एंड मोर देन सिक्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सिक्सटी कैप्सूल का इफ इन नो केस एनी डिफ्रेंस इस तरीके से कोई भी केस में डिफरेंस एक्सीड नहीं करना चाहिए ट्वेंटी फाइव परसेंट से तब टेस्ट पास होगा

की रेंज में होना चाहिए किसी भी एक का 75 परसेंट टू 125 परसेंट से आउटसाइड नहीं होना चाहिए अगर मोर देन वन बट लेस देन थ्री का जो टेन कैप्सूल्स है उनका जो रेंज है 85 परसेंट टू 115 परसेंट की लिमिट से आउटसाइड नहीं होना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट 20 कैप्सूल्स को हम ऐसे करेंगे उसकी कंडीशन देख लेंगे पास होने की जो सारी थर्टी कैप्सूल्स हैं, उनका रेंज सेवेंटी उससे बट नॉट लेस लेसवन परसेंट फ्रॉम थर्टी तब इसका रेंज एटी फाइव परसेंट टू वन फिफ्टीन परसेंट की रेंज से कम नहीं होना चाहिए तो दिस इज अबाउट द कंटेंट यूनिफॉर्मिटी ऑफ द हार्ड जिलेटिन कैप्सूल नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की बात करते हैं तो ये हम क्यों करते हैं बेसिकली टेस्ट इज अ मेथड टू इवैल्यूएट द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म किसी भी सॉलिड डोसेज फॉर्म का आइदर इट इज टैबलेट और द कैप्सूल उसके डिसइंटीग्रेशन टाइम को चेक करने के लिए हम डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं किसमें करते हैं ये आप जो अपरेटस देख रहे हैं ये डिसइंटीग्रेशन अपरेटस है इसमें हम कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं देख लेते हैं इट कैन बी डिफाइन एज द ब्रेक डाउन ऑफ सॉलिड डोसेज फॉर्म इन टू स्मॉल पार्टिकल आफ्टर इट इज इंडस्टेड किसी भी कैप्सूल को अगर हमने पर्टिकुलरली इंटेक किया है उसका बॉडी में जाने के बाद एक इन्वायरमेंट में आके टूटना जो कैप्सूल्स होगा उसका छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना

और एक स्पेसिफिक कंडीशन में और उसके बाद हम इस तरीके से इस एपरेटस में इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम प्रोसीजर देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बीबी बीबी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्या प्रोसीजर होगा डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का तो इसके लिए हम वन कैप्सूल लेंगे और सारे ट्यूब में एक एक करके सस्पेंड कर देंगे और अपरेटस में हम जो बीकर लगा होगा उसमें 60 एम एल वाटर कंटेन किया होगा और उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एडजस्ट कर देंगे टेम्परेचर पे अगर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल ट्यूब में फ्लोट करती है या और सरफेस पे आ जाती है तो हम इसमें एक डिस्क ऐड कर देंगे ताकि वो फ्लोट ना करे और उसमें नीचे की तरफ बॉटम में आ जाए ऑपरेट करेंगे ऑपरेटर्स को हम 30 मिनट्स के लिए उसके बाद असेंबली को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द लिक्विड उसके बाद टेस्ट कैप्सूल की जो टेस्ट की कंडीशन है वो कैसी होगी देखेंगे कोई भी रेसिड्यू बचना नहीं चाहिए स्क्रीन पे नेक्स्ट अगर रेसिड्यू बचता है तो उसमें इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेगमेंटल्स नेक्स्ट इफ़ अ सॉफ्ट मास विद नो पेलेबल कोर

उसके बाद हमें जो इसमें टेम्परेचर है बेसिकली मेंटेन रखना है 36 सिक्स टू थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तक और इस तरीके से वाटर इसमें प्लेस हो जाएगा पर्टिकुलर वेसल में उसके बाद हमें क्या करना है एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैप्सूल्स को हमें पुट करना है पर्टिकुलरली बास्केट में और बेसिकली सेवन कैप्सूल हम यूज़ करेंगे और हमें जो रोटेशन रखना है वो स्पीड उसकी मेंटेन करनी है हंड्रेड आर तक उसके बाद हमें क्या करना है पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे इन एवरी टेन मिनट्स हमें एक रिक्वायर्ड वॉल्यूम विड्रॉ करना है आफ्टर डेट हमें फ़िल्टर करना है और इस सैम्पल को हमें फ़िल्टर करने के बाद हमें डिटरमाइन करना है एक्टिव इंग्रेडिएंट के अमाउंट को आफ्टर डेट सैम्पल को पास करेंगे और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का अमाउंट को डिटरमाइन uh, करेंगे जो इस सॉल्यूशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका अमाउंट सेवेंटी परसेंट से लेस नहीं होना चाहिए एंड बाय दिस वे वी विल गेट टू नो अबाउट द परसेंटेज अमाउंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट तो दिस इज अबाउट द डिजॉल्यूशन टेस्ट ऑफ कैप्सूल सो ना ना हेयर यू कैन सी द डिजॉल्यूशन प्रोफाइल तो स्टार्टिंग में आप देख रहे होंगे कैप्सूल कैसी है आफ्टर दैट आप थ्री मिनट्स में उसमें चेंजेस देख रहे हैं फोर मिनट्स में चेंजेस देख रहे हैं एंड आफ्टर टेन मिनट्स बाद कैप्सूल डिजोल्व हो जाती है एंड इन दिस पिक्चर आप यू कैन गेट एन आइडिया किस तरीके से कैप्सूल हो के फिफ़्टीन मिनट्स में कैसे चेंजेस हो जाएगी और कैप्सूल बॉडी में अपना एक्शन रिलीज करेगी और थेरापेटिक इफेक्ट्स होने होने लगेगा तो दिस इज़ द डिसोल्यूशन प्रोफाइल ऑफ एनी कैप्सूल ना हेयर यू कैन सी द रोटेटिंग बास्केट टाइप डिजोल्यूशन अपरेटर्स विच इज ऑपरेटर्स वन तो आपको पता ही है दो तरीके के अपरेटर्स का यूज करते हैं तो ये रोटेटिंग बास्केट टाइप की कंडीशन है तो उसमें हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं अगर इसको देखते हैं तो तो इसमें क्या होगा इस रोटेटिंग बास्केट डिजोल्यूशन में जो वायर्स होंगे स्मॉल होंगे उसका साइज होगा बा ट्वेल्व टेम्परेचर इसको मेंटेन रखना है थर्टी सेवन टू फो माइनस फाइव डिग्री सेंटीग्रेड स्पीड जो रोटेटिंग होगी ट्वेंटी फाइव टू वन फिफ्टी आर पी एम होगी डिजोल्यूशन मीडियम जो होगा हाई होगा फ्रॉम द बॉटम टू द वेसल थर्टी ट्वेंटी थर्ड टू थर्टी सेवन मिली इसके बाद हम देख लेते हैं अप्रेटर्स टू विच इज़ रोटेटिंग पैडल टाइप डिजॉल्यूशन अप्रेटर इसमें जो स्मॉल वायर साइज़ जो होगा इसका जो साइज़ होगा वो ट्वेंटी टू होगा इसमें जो डिजॉल्यूशन मीडियम की हाइट होगी बॉटम वेसल से वो थर्टी सेवन टू ट्वेंटी सेवन टू थर्टी सेवन मिलीमीटर होगी टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड सेम है रोटेटिंग स्पीड भी इसकी सेम है ट्वेंटी फाइव टू वन फिफ्टी आर पी एम और डिजॉल्यूशन मीडियम हाइट हाँ नेक्स्ट इज योर मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट में हम ये एश्योर करते हैं कि जो कंटेनर uh, की सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम कैप्सूल की पैकेजिंग करेंगे इसलिए हम मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट करते हैं और मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट से हमें कैप्सूल को पैक करने की प्रोसेस uh, पता चल जाएगी किस टाइप का कंटेनर हम यूज़ करेंगे और पैकेजिंग मटेरियल सिंगल यूनिट कंटेनर के लिए हम बिस्टर पैक और स्ट्रिप पैक करेंगे यूनिट डोज कंटेनर के लिए हम लोग गैस और ग्लास और प्लास्टिक बॉटल्स को यूज करेंगे नेक्स्ट हम प्रोसीजर देख लेते हैं कैसे करेंगे मॉइस्चर परमिएशन टेस्ट इसके लिए हम क्या करेंगे रेट ऑफ मॉइस्चर परमिएशन को डिटरमाइन करेंगे पैकेजिंग करेंगे किसी भी डोसेज फॉर्म की और उसके बाद कलर के रिवील से हम पता करेंगे कि टेस्ट कैसा आ रहा है उसके बाद हम जो पैक्ड होगा जो पर्टिकुलर आपका मटेरियल उसको हम क्या करेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी में रख देंगे और कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उसके बाद हम ऑब्ज़र्व करेंगे कलर चेंज के अकॉर्डिंग अगर कोई कलर चेंज होता है तो ये इंडिकेट करता है कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो गया है इस तरीके से हम पहले हम क्या करेंगे प्री वेट मेज़र कर लेंगे बिफोर डे में रखे हुए उसके बाद जब अगर कलर चेंज की कंडीशन होगी उसके बाद हम वेट अगेन वेट करेंगे और उस तरीके से पैलेट्स का वेट पता चल जाएगा और अमाउंट हम कैलकुलेट कर लेंगे और फॉर्मूले में रख के हम मॉइस्चर परमिशन टेस्ट को परफॉर्म कर लेंगे दिस तो इज़ अबाउट मॉइस्चर परमिशन टेस्ट सो हियर आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर थैंक यू सो मच ऑल